क्लास नाइन्थ चैप्टर वन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिवीजन। व्हाट इज लिबर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिबर्टी। द स्टेट ऑफ बींग फ्री विद इन सोसाइटी फ्रॉम ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय अथॉरिटी ऑन वंस बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज। यानी समाज के अंदर स्वतंत्र रहने को ही हम लोग लिबर्टी कहते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा रुकावट ना उत्पन्न किया जाए। ऑन वंस बिहेवियर और पॉलिटिकल व्यूज। व्हाट इज स्लेव। सेकंड क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर एंड इज फोर्स टू ओबे देम। स्लेव का मतलब गुलाम होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे व्यक्ति का वो लीगल प्रॉपर्टी हो। व्हाट इज रेन। द पीरियड ऑफ अ रूल ऑफ अ मोनार्क। मोनार्क का जो पीरियड होता है शासन करने का, उसको हम लोग रेन के नाम से जानते हैं। डिफाइन इनविसेजेस, टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन द फ्यूचर स्पेशली समथिंग गुड। कल्पना करना, आशा करना कुछ भविष्य में, कुछ अच्छा आशा करना भविष्य में, इसको हम लोग इनविसेजेस कहते हैं। व्हाट इज लिवरे। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस इज कॉल्ड लिवरे। सिक्स्थ क्वेश्चन, अ फोर्सेबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम। गवर्नमेंट को जड़ से हटा देना, फोर्सेबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और अ सोशल ऑर्डर, किसी सोशल ऑर्डर जो पहले से उसको हटा देना इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम, ताकि नए सिस्टम को लाया जा सके। होमवर्क में क्या है आपका, बहुत सिंपल है। डिफाइन क्लर्जी, सेकंड क्वेश्चन डिफाइन नोबिलिटी, डिफाइन एरिस्टोक्रेसी, डिफाइन स्टेट, डिफाइन नेशनल असेंबली, डिफाइन गुलेटिन। थैंक यू।